मालविया संग अपने ब्रेकअप को लेकर समर्थ जुड़ैल ने दिया शॉकिंग स्टेटमेंट। तो आई थिंक ऐसे इंसान से तो बात तक नहीं करनी चाहिए। ईशा मालविया को किया सबके सामने बेनका। आखिर क्या है इस ब्रेकअप के पीछे का असली रीजन? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जैसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर उडारिया फिर मैट्रेस। ईशा मालविया ने जब बिग बॉस 17 के घर में कदम रखा तो उनके दिन काफी ज्यादा बदलते हुए इसमें नजर आए। कभी उनके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार तो कभी उनके करंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुड़ैल के साथ उनकी खटपट देखने को मिली। शो तो खत्म हो गया, शो के अंदर समर्थ और ईशा तो काफी स्ट्रांग चल रहे थे, लेकिन शो खत्म होने के बाद अब कुछ हफ्ते स्पेकुलेशन करने के बाद अब ये खबर सामने आ गई है ईशा मालविया की तरफ से खुद कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप को लेकर समर्थ पर काफी सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिस पर अब उन्होंने खुलासा किया है। समर्थ का कहना है कि ईशा को सिर्फ मौके की तलाश होती है। जब से बिग बॉस खत्म हुआ था ईशा ने मुझसे दूरी बनाकर रखी थी। वो सिर्फ मुझसे उसी वक्त बात करती थी जब कोई काम होता था और जब कोई इवेंट होता था। होली इवेंट के पहले ईशा मालविया मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रही थी और सबके सामने दिखा रही थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। होली इवेंट के एक दिन पहले उसने मुझे कॉल किया और साथ में आने के लिए कहा। समर्थ ने आगे कहा कि ईशा मेरे साथ सिर्फ तब तक थी जब तक कैमरा उनका पीछा कर रहे थे, ताकि सबको लगे हम साथ में स्पॉट हुए हैं, तो हम अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जैसे ही मीडिया चलेगी ईशा मुझे इग्नोर करने लगी। समर्थ ने एक और बात की तरफ इशारा किया कि जब कुछ दिन पहले ईशा मालविया लाइव आई थी तब उन्होंने लड़कों को लेकर काफी बदतमीजी वाला स्टेटमेंट पास किया था, जहां पर वो कह रही थी कि इस तरह के 10 लड़कों को मैं काट सकती हूँ। इस तरह की शब्दों का, इस तरह की भाषा का आखिर मतलब क्या है? समर्थ का ये भी कहना है कि ब्रेकअप का डिसीजन उन दोनों का म्यूचुअल नहीं था। ईशा हर जगह मीडिया में यही कहती हुई नजर आ रही है कि ये एक म्यूचुअल डिसीजन था, लेकिन समर्थ को इस बारे में पता तक नहीं था। ईशा ने खुद ही अपने आप ये डिसीजन ले लिया कि अब उसे समर्थ के साथ इस रिश्ते में नहीं रहना है और फिर उन्होंने मीडिया के सामने जाकर ऐलान कर दिया। झूठे स्टेटमेंट में मेरा नाम घसीटा जा रहा है, इसलिए मैं अपना मुंह अब खोल रहा हूँ। समर्थ जुड़ैल ने अपने रिश्ते पर और ईशा मालविया पर जो कुछ भी खुलासा किया है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।